लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर, जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं हैं। किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ठेके के ऊपर जमीन लेके खेती करते ने, उन्हां दा रिकॉर्ड है जेड़ा वो चढ़ ही नहीं सकता। पर केंद्र सरकार ये सारा कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि किसानां दे विच कन्फ्यूजन पैदा करके आड़तियां दे नाल उन्हां दा रिश्ता जेड़ा वो खराब किया जा सके। सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा ते तुसी वेख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब। केंद्र सरकार हाली 3 नवे खेती कानूनों नू लैके किसानों दे विरोध दा सामना कर रही है कि हुण किसानों नू लैके एक होर फैसले कारण ओह किसानों दे लपेटे दे विच आ गई है। फसल की अदायगी दे पैसे सीधे किसानों दे खाते विच करन दे फैसले उत्ते पंजाब दे विच हुण तिखा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले दे नाल एक होर मुश्किल नू भी जन्म दे दिता है। केंद्र दे इस फैसले तो सब तो ज़्यादा आड़तियां नू औखा हो रहा है ते उन्होंने सरकार दे खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। हालांकि किसानों की लंबे समय तो यह मंग सी कि उन्होंने खात्यां दे विच सीधी अदायगी की जाए, लेकिन हुण केंद्र दे फैसले नू किसान एक वड्डी साजिश कह रहे हैं। यह तर्क दिता जा रहा है कि आड़तियां ते किसानां दे विचकार संबंध खराब करन दी वी इह एक कोशिश हो रही है। दरअसल केंद्र दे नवे फैसले दी गल करिए तां फिर केंद्र दा इह फैसला है कि इस बार किसानां नू फसल दी जिहड़ी सीधी अदायगी कीती जावेगी, यानी कि पब्लिक फाइनैंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल दे राही किसानां नू सीधी अदायगी होवेगी। FCI दे वल्लों किसानां नू ई भुगतान दे राही सीधी अदायगी लई जमीन दा रिकॉर्ड देण दी शर्त रखी गई है। देखो, मैं समझदा कि BJP दी केंद्र सरकार पंजाब दे विच किसानां नू, मजदूरां नू, आड़तियां नू और पंजाब दे समुचे मंडीकरण सिस्टम नू तबाह करन दे उपर बज़िद है, तुली हुई है, जिस दी वजह करके FCI ने हुण एक नवा आर्डर कीता है कि इस आउण वाले कणक दे सीजन दे विच किसानां नू सीधी पेमेंट है जिहड़ी उहनां दे अकाउंट्स दे विच दित्ती जाएगी। किसानां नू फसल दी सीधी अदायगी वाला इह नियम साल 2018 दे विच ही लॉन्च हो गया सी, लेकिन कुछ कारणा करके इस नू उस वेले लागू नहीं किया जा सकया। सवाल यह है कि जे किसानों नू सीधी अदायगी होवेगी तो फिर इसका विरोध क्यों? दरअसल विरोध का कारण यह है कि किसान यह कहते हैं कि जिहड़े लोग ठेके ते जमीन लैके खेती कर रहे हैं उन्हां नू सीधी अदायगी किवें होवेगी? इहो जिहे लोग अपनी जमीन का रिकॉर्ड कित्थों देणगे? सरकार ते मंडिया दा सिस्टम खराब करन दा भी इल्जाम लग रहा है। इसलिए मैनूं लगदा कि किसानी तो सरकार केंद्र दी बदला लेना चाहुंदी है और किसान फसल वेच के फिर अफसरां दे दुआले चक्कर कढ़ी जाएगा, अपनी पेमेंट नहीं लै सकेगा। साडी सरकार वाले फैसला होया सी कि किसान दी मर्जी ते छड्ड दित्ता जावे कि वह पेमेंट आड़ती दे लैणा चाहवे तां आड़ती ने लवे, जे डायरैक्ट लैणी चाहुंदा डायरैक्ट लवे। अननेसेसरी नवे बखेड़े खड़े करके किसानी नू परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हाली तक आड़ती ही किसान नू खरीद एजेंसियों तो पैसे आने तो बाद अदायगी करते सन। पिछले कई दहाकियों तो यह सिस्टम चलता आ रहा है। अजे भी जेकर आड़तियों की गल कर ली जाए तो फिर आड़ती कौन ने, आड़ती का काम की है? तो आड़ती कणक ते झोने की खरीद विच विचोलगी की एक अहम भूमिका निभाता है। आड़ती नू इस दे लई 2.5% कमीशन मिलता है। आड़ती का काम किसान तो फसल लैके सरकारी खरीद एजेंसी नू देना हुंदा है। खरीद एजेंसी तो पैसा आउंते आड़ती किसानों के खाते दे विच ऑनलाइन अदायगी करते हैं। केंद्र सरकार किसानों ते खरीद एजेंसियां विचकार विचोलगी की भूमिका नू खत्म करना चाहती है ता जो किसान सीधे फसल वेच सकन अते सीधी अपनी फसल की अदायगी लै सकन। एहो जे दे विच फिर किसानों का ऐतराज की है? क्यों किसान ऐतराज कर रहे हैं जे उन्होंने सीधी अदायगी होगी? दरअसल किसानों का यह आरोप है कि वड्डिया कंपनियों नू सरकार फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप है कि आड़तियों नू जानबूझ के केंद्र सरकार परेशान करन दा काम कर रही है। किसान अंदोलन दे विच आड़तियों का सहयोग मिले जिसके कारण आड़तियों नू निशाना बनाया जा रहा है।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਬਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆੜਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਪ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਰਦ ਮੇਂ। ਆਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰ ਨਯਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ FCI ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਮੈਂਟ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਰਾਜ੍ਯ ਕੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਸ ਪੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਵੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਮੈਂਟ FCI ਉਨ੍ਹੀ ਸੇ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਂਗੇ। मैं उस राज्य से आती हूँ सर जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी ज़मीनें नहीं हैं। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना ज़मीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना ज़मीन ठेके में दे देता है, उसके पास ज़मीन नहीं है किसी ज़मींदार से लेके देता है। अब FCI के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा FCI सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेज़मीन वाले किसान कहाँ जाएं? ये नई नई चीज़ें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है, हमारे स्टेट का APMC एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट भेजे। ये कहते हैं FCI एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट है इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेयरेंस है फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है तोड़ने के काम कर रहे हैं। पंजाब विच आड़तियां नु किसाना दा ATM कहा जाता है और इसलिए क्योंकि औख दी घड़ी दे विच आड़ती ही किसानों का आर्थिक पक्षों भी हमेशा साथ दिंदे रहिंदे हन। इहो जे हालातों दे विच आड़तियां दी इस केंद्र दे नवे फरमान नू लैके दलील है कि पंजाब दे विच 25,000 दे करीब आड़तीए हन। आड़तिया सिस्टम खत्म हो जाएगा, वड्डिया कंपनियां मनमर्जी दे भाव ते किसान तो सीधी खरीद करनगियां, सीधी अदायगी नाल आड़तीए दा कर्ज दे रूप विच दित्ता पैसा भी डुब जाएगा। आड़तियां दा ये भी कहना है कि NRI दी जमीन ठेके उत्ते लैके खेती करन वाले जमीन दा रिकॉर्ड कित्थों देंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा भी कहना है कि सरकार दा ये फैसला किसानां नूं भड़काउण वाला है, इस दे नाल खेती कानून दे मौजूदा संकट विच होर भी वाधा हो सकता है। फर्दर प्रोवोकेशन टू द फार्मर्स, देयर इज अ सिस्टम विच हैज वर्क्ड हियर from 19 the mandi system has worked from 1967 onwards, but the aartiya system has been here for much earlier. Jab nukse nahi hai aur log khush hai to fir kyun band lo, logo ki awaaz chalni hai yahan ya nahi chalni, this is something that is it is the government has sent a message to say that now they should be should send us a list to send directly to the aartiyas. This will further provoke this action which is taking place in Delhi. ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਐਤ ਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਰਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ Sky News Punjab।